Union Minister of State for Power aro Heavy Industries Krishan Pal Gurjar aji Nagaland de 2 day visit kane aigina se aro tai itya New Land de government officials khan lo de meeting kurigina central sarkar laga schemes khan kinga implement hoye se itula review kurbule se program de PHED and cooperation minister Jacob Jimomi bhi kotha kurbule se itya live sa Honorable Union Minister of State माननीय कृष्ण पाल गुर्जर जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन न्यूलैंड और ऑनरेबल मिनिस्टर्स एपीएस ऑल द जीबीज पार्टी कार्यकर्ता फ्रॉम द बीजेपी All well-wishers who are here to see and greet our honorable minister or my friends from the press. I'll not take much time because I want honorable minister to speak to us and he wants to interact with us, with all of you. Main hamara maniya mantri ji se bahut shukrguzar hoon ki aapne नागालैंड में न्यूलैंड डिस्ट्रिक्ट को चुना और नागालैंड में 100% बीजेपी का जिला अब तक सिर्फ न्यूलैंड डिस्ट्रिक्ट को और आपने आया तो हम लोग बहुत खुश हैं बहुत सारे सेंट्रल सरकार का वेलफेयर प्रोग्राम चल रहा है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम नोटिस का बहुत कमिटमेंट से 2014 से आज तक करके अभी इस साल में चुनाव लड़ना है तो नागालैंड में अभी अलायंस गवर्नमेंट चल रहा हूँ रियो साहब का एनडीपीपी पार्टी और हमारा बीजेपी का पार्टी हम लोग 20 सीट में लड़े वो लोग 40 सीट से लड़ा था हम लोग 12 विधायक निकला और उन लोग 25 तो मिलके हम लोग 37 विधायक ये पीडीएस सरकार चला रहा है अभी तो इसमें से हम लोग एक साल होने वाला है अभी मार्च में गवर्नमेंट बन के और हमारा लोकसभा इलेक्शन फेस करना है 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में जैसे हम लोग सबको पता है कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था अभी हम लोग देखने से अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉर्थ ईस्ट में इंक्लूडिंग नागालैंड हम लोग कभी नहीं सोचा था कि हम लोग 4 लेन मिलेगा अभी नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग देखा तो 6 लेन है नागालैंड में अभी हम लोग 4 लेन है और 100 साल के बाद हम लोग हमारा बीजेपी सरकार ने नागालैंड में दूसरा रेलवे स्टेशन इनॉग्रेशन किया सोखवी रेलवे स्टेशन और ये रेलवे स्टेशन कनेक्ट करके पूरा मोन डिस्ट्रिक्ट तक जाना है तो अगर कनेक्टिविटी का सवाल पूछा 2014 से पहले बहुत सारे नेशनल पार्टी सरकार चला के आया था लेकिन हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 के बाद बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम लेके सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ इंक्लूडिंग हमारा स्टेट तो हम लोग सब खुश है
कब भी हम लोग सोचा नहीं था कि हमारा केंद्र सरकार का मंत्री लोग आएंगे इसे नोटिस में। अभी देखो नागालैंड में कितना मंत्री आगे गया हुआ है, हमारा प्रधानमंत्री भी नोटिस में 50 बार से ज्यादा आया हुआ है। कांग्रेस सरकार का टाइम में कौन प्रधानमंत्री था आप लोग सबको पता है, उसको चुनाया था नोटिस से, एमपी बन के उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, कभी आया ही नहीं नोटिस में 10 साल में। हम लोग बहुत खुश है कि केंद्र सरकार का मंत्री लोग हमारे राज्यों जैसे छोटा जगह में आके डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट करके आज तक बहुत सारे मंत्री लोग आया हुआ है, और फिर कोई मंत्री आ रहा है अगले हफ्ते में, तो हम बहुत खुश है उन बिहाफ हमारा न्यूलैंड जिले के तरफ से हमारा मंत्री जी कृष्ण पाल जी को बहुत शुक्रगुजार हूँ और अदा करता हूँ कि आप हमें मदद करें डेवलपमेंटल प्रोग्राम में, हम आएंगे दिल्ली में। और हम बहुत खुश है कि हम फरीदाबाद में पारा था तो हमारा मंत्री जी फरीदाबाद का एमपी हूँ, और जब हम फरीदाबाद में था स्कूलिंग करता था ये उधर में कैबिनेट मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, तो ऐसे कनेक्शन हो रहा है अभी कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में अभी कि कहाँ से शुरू करें, कौन सा कार्यक्रम लेके जाऊं। और फिर हमारा न्यूलैंड डिस्ट्रिक्ट और हमारा चुमिकडिमा डिस्ट्रिक्ट दिमापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या डेवलपमेंटल प्रोग्राम लेके जाएगा, वो अभी हम हमारे दिमाग में लगने शुरू हो गया। हमको पता है हमारा मंत्री जी हम लोग सबको मदद करेंगे, हम लोग को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पावर अपग्रेडेशन चाहिए, लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम है, हर सरकार का एम्प्लॉयमेंट में ये प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग सब बहुत ह्यूज एक्सपेक्टेशन से काम करेंगे। फिर हमारा सरकार आएंगे दिल्ली में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फिर से अभी बहुत 12 मैंडेट से अभी नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करना है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों कह रहे हैं, ग्रास रूट लेवल में लोग कह रहे हैं। हमारा सरकार आया हुआ अभी 10 साल चल रहा है, सिर्फ भाजन का सरकार नहीं था, एक्शन में बहुत सारे काम किया हुआ है, इसलिए हम लोग सब इस सरकार को सपोर्ट करने चाहिए। और जितना भी डेवलपमेंटल काम है वो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, या हम गर्व से हम ये कह सकता हूँ, इसलिए सबका हमारा तरफ से यह खुश बात हमारा मंत्री जी आया हुआ है, उसका स्वागत आप लोग सब ने आके सब ऑर्गेनाइजेशन का लीडर लोग है इधर में, तो आप लोग आया बहुत खुश है, और हमारा मंत्री जी से इंटरेक्शन करेंगे, गवर्नमेंट केंद्र सरकार का वेलफेयर प्रोग्राम लोग जो है वो बात करेंगे, जितने भी बेनिफिशियरी है इंटरेक्ट कर सकता हो हमारा मंत्री जी से। तो वंस अगेन सब आगे खुशी, और हमारा प्यारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अभय गिरी जी आया हुआ है पार्टी की तरफ से, तो हम लोग सब मिलके यूनियन डिस्ट्रिक्ट को लेके आगे बढ़ाना है। डाउट मत रखिए, हमारा सरकार का कमिटमेंट है, हम लोग करके आज तक आया हुआ है, 10 साल हुआ, अभी नया मैंडेट लेना है और हम लोग बहुत अच्छा डेवलपमेंट करके आगे बढ़ेंगे बोले ये पास से समाज को। शुक्रिया। आज की इस मीटिंग में हमारे बीच उपस्थित यहाँ के सम्मानित मंत्री पीएचडी पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन
डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, सभी अधिकारीगण, पार्टी के कार्यकर्तागण, सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं, मुझे आज, मैं अभी नागालैंड में सेकंड टाइम आया हूं और मुझे आपके बीच में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जब से उन्होंने देश की बागडोर सौंपी है, उनका पूरा फोकस नॉर्थ ईस्ट पर लगा हुआ है। इसलिए आप देखते हैं आजादी के बाद देश के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दर्जनों बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है, और ऐसा कोई महीना नहीं है जब मोदी सरकार का कोई ना कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता है। क्योंकि मोदी जी चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए, जब तक नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश कैसे विकसित बनेगा। इसलिए आप देखेंगे जब से मोदी जी को आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया है, नॉर्थ ईस्ट में विकास की ब्यार बह रही है, मतलब विकास की झड़ी लगी हुई है। जो 70 सालों में नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुआ वो इन 9.5 सालों में नॉर्थ ईस्ट में मोदी सरकार ने किया है, और टोटल बजट का 10% हिस्सा पहली बार मोदी जी की सरकार नॉर्थ ईस्ट पर खर्च कर रही है। अभी आप देखते हैं कि मोदी सरकार की ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, यानी मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी, देश के हर शहर में, हर गांव में जा रही है, जिसको उन्होंने झारखंड के खूंटी से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झंडी दिखाकर शुरू किया था। उस मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का हर गांव में, हर नगर में जाने का मकसद इतना है कि मोदी सरकार ने जो देश के गरीब लोगों के लिए, वंचितों के लिए, किसान के लिए, छोटे दुकानदार के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए, और जो योजनाओं के पात्र व्यक्ति हैं, जो अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं ले सके हैं, वो भी उन योजनाओं का लाभ लें। इसलिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के हर गांव में, हर शहर में जा रही है, यहां भी चल रही है नागालैंड में, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि मैंने देश के उस अंतिम व्यक्ति को जो अंतिम पायदान पे खड़ा है उसको सशक्त करना है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाना है। क्यों, जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सशक्त नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, यानी कि स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक देश मजबूत और स्ट्रांग नहीं हो सकता। और आज इस देश में सिर्फ मोदी की गारंटी चलती है और किसी की गारंटी पर कोई विश्वास देश के लोगों का नहीं है। मैं लंबा चौड़ा नहीं, कुछ गारंटी बताना चाहूंगा। मोदी ने गारंटी दी कि मेरे देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए,
इसलिए जब कोरोना की बीमारी आई तो मोदी सरकार ने 5 किलो मुफ्त में अन्न हर व्यक्ति को दिया, और अब आगे 3 साल बाद भी, अगले 5 साल के लिए भी 81 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की गारंटी मोदी जी ने दी है। मोदी जी ने गारंटी दी कि मेरे देश में गरीब व्यक्ति कोई भी बीमारी के कारण मरना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए मोदी जी ने आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 55 करोड़ पीपल्स के लिए, यानी कि 11 करोड़ परिवार, 11 करोड़ फैमिलीज के लिए 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में देने की गारंटी दी, उनके लिए गोल्डन कार्ड बनाए। और आपको मालूम है अब तक इस योजना का लाभ 7 करोड़ लोगों ने देश में उठाया है, और मोदी सरकार ने उनका 1 लाख करोड़ से अधिक पैसा हॉस्पिटल्स को अपने अकाउंट से दिया है। यानी कि गरीब लोगों के इलाज की गारंटी भी मोदी सरकार ने दी, और यही नहीं, सस्ती दवाई की गारंटी आप देखेंगे 10,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मोदी सरकार ने देश के हर कोने में खोले, और उनमें दवाइयां 80-90% सस्ती मिलती है। जो मेडिकल स्टोर पे जो दवाई 100 रुपए की मिलती है वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर आपको 10-15 रुपए की मिलती है। यानी कि गरीब आदमी के लिए दवाई भी सस्ती की है, सस्ती देने की गारंटी दी है। प्रधानमंत्री ने गारंटी दी कि 2024 तक मैं इस देश के उस गरीब व्यक्ति को पक्का मकान बना के दूंगा जिसके सर पर छत नहीं है। आपको मालूम है इन 9 सालों में 4 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को पक्का मकान बना के मोदी जी ने दिया है, और सिर्फ मकान नहीं दिया है, मकान में बिजली का कनेक्शन भी दिया है, मकान में LPG का कनेक्शन भी दिया है, मकान में शौचालय भी दिया है, मकान में नल से जल देने की टूटी भी लगा कर दी है, यानी कि सारी सुविधाएं उस मकान में करके दी। इसी तरह मोदी जी ने गारंटी दी कि 2024 तक मैं देश के हर घर में, हर गांव में नल से जल पहुंचाऊंगा। आपको मालूम है 70 सालों में 3 करोड़ घरों में नल से जल जाता था, लेकिन मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से यह ऐलान किया था कि मैं 2024 के अंत तक मैं हर घर में नल से पीने का शुद्ध जल की गारंटी देता हूं। और मालूम है आपको इन 3 सालों में 13.5 करोड़ घरों में, 70 सालों में 3 करोड़ घरों में, और इन 3 सालों में 2019 से 2023 स्टार्ट हुआ है, अभी 3 साल में 13.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने की गारंटी को पूरा किया है। मैं अभी देख रहा था न्यूलैंड जिले का, यहां भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, और टारगेट मार्च 2024 तक इन्होंने पूरा करने का किया है। मैं बधाई देता हूं जिला प्रशासन को और यहां की सरकार को कि वो अपना ठीक काम कर रहे हैं और समय पर मोदी जी की योजना को लागू करने में लगे हैं। मोदी जी ने गारंटी दी इस देश के किसानों को कि उनके लिए खाद के लिए, बीज के लिए, कीटनाशक दवाइयों के लिए
साल में 6,000 रुपए, 3 किस्तों में हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपए, उनकी गारंटी दी। और आपको मालूम है आज 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधा 6,000 रुपए साल 3 किस्तों में उनके अकाउंट में आता है। न्यूलैंड जिले में भी मैं भी देख रहा था, लगभग 4,480 हुई ना, 4480 4,480 किसान रजिस्टर्ड किए गए हैं जिनको हर साल 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि का मोदी सरकार गारंटी के रूप में दे रहे हैं। इसी तरह यही नहीं, मोदी जी ने कहा कि हमारी हर घर में शौचालय टॉयलेट बनाने की गारंटी। और आपको मालूम है 11 करोड़ घरों में देश में पिछले 9 सालों में शौचालय बनाने का काम किया। आप ये भी जानते हैं जब मोदी जी की सरकार आई तो इस देश के 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। 2017 में 15 में लाल किले से घोषणा की प्रधानमंत्री ने कि 1,000 दिनों में मैं इन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने की गारंटी देता हूं। और आपको मालूम है 1,000 दिन नहीं, 13 दिन पहले, 13 days before मोदी जी ने 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने की जो गारंटी दी थी उसको पूरा किया। ऐसा एक नहीं, ऐसे अनेक योजना है गरीब बहनों के लिए जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं, उनको अच्छी खुराक मिले, मातृवंदना योजना उनके लिए बनाई, साल में 5,000 डीबीटी अकाउंट से उनके डीबीटी से उनके अकाउंट में आता है पैसा 5,000 रुपए कि पेट में पलने वाले बच्चे को उचित खुराक मिले। ऐसे अनेक काम, ऐसे ही नौजवानों के लिए मुद्रा योजना, आपको मालूम है स्वरोजगार के लिए 7 करोड़ नौजवानों को 2,00,000,000,000 रुपया उन्होंने बगैर गारंटी के अपनी गारंटी पर देश के नौजवानों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए दिलाया। ऐसे ही अनेक चीजें इस देश में गरीब बहनों के लिए मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर, 11 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया। मतलब ऐसी अनेक योजनाएं मोदी जी ने गरीब लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए चलाई, चलाई नहीं, उनका 100% सेचुरेशन हो, यानी कि पात्र व्यक्ति को 100% लाभ मिले, उसको जमीन तक उतारने का काम। और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसका मकसद भी यही है, 100% सैचुरेशन स्कीम का हो, इसलिए आप सब लगे हुए हैं। ऐसी बहुत योजनाएं हैं जिन पे मोदी जी ने काम किया। और आप ये भी देखते हैं पिछले 9.5 सालों में पूरी दुनिया का नजरिया देश के लिए बदल गया है, भारत के लिए। पहले पूरी दुनिया भारत को किस नजरों से देखती थी और आज पूरी दुनिया भारत को किस नजरों से देखती है, आप समय ये अनुभव करते होंगे। और मित्रों, और ये ताकत, ये मोदी जी की ताकत नहीं है, ये ताकत इस देश के 140 करोड़ लोगों की है जिन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के बना कर दी। इसलिए मोदी जी देश हित में फैसले कर पा रहे हैं, देश के लिए फैसले कर पा रहे हैं, और उनके हर फैसले में देश पहले होता है। औरों के लिए परिवार पहले है लेकिन मोदी जी के लिए देश पहले है। इसलिए मोदी जी पर भरोसा सिर्फ भारत के लोगों का नहीं, दुनिया का भरोसा मोदी जी के ऊपर बढ़ रहा है। इसलिए तो रूसिया का राष्ट्रपति पुतिन कहता है कि मोदी को अब दुनिया की कोई ताकत ना झुका सकती है ना डरा सकती है। ये मैं नहीं कहता, रशिया का राष्ट्रपति पुतिन कहता है, आपने देखा होगा, ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री।
जिसने पहले दिन कहा था ना हम किसी को आंख दिखाकर बात करेंगे ना किसी के सामने आंख झुकाकर बात करेंगे, अगर भारत के हितों की बात आएगी तो आंख में आंख डालकर बात करेंगे, ये मोदी जी ने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था। इसलिए दशकों के बाद देश को एक मजबूत और ईमानदार प्रधानमंत्री मिला है जिसने इस देश की तस्वीर को भी बदला है, तकदीर को भी बदला है। आज भारत इकोनॉमी में 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गया है, मालूम है ना, 5वें नंबर पर। इंग्लैंड और ब्राजील जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। आज दुनिया में जो भारत की जो विकास दर है सबसे तेज गति के साथ बढ़ रही है। चाइना भी पीछे है, अमेरिका भी पीछे है, और अगर इसी तरह भारत की आर्थिक विकास दर रही, यानी कि उसकी गति यही रही, तो 3 साल के बाद, ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया के इकोनॉमिस्ट कहते हैं, IMF जैसी संस्था कहती है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जैसी संस्था कहती है कि 3 साल के बाद अगर भारत के विकास की गति यही रही तो भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में, इकोनॉमिक पावर में भारत एक होगा, अमेरिका, चाइना और भारत, ये 3 शक्तियों में भारत होगा। तो इतनी तेजी के साथ भारत आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा है, यानी कि सही हाथों में देश है। तो इसलिए मैंने स्कीमें देखी हैं और मैं मोदी सरकार की स्कीमों को, यहाँ का नागालैंड की सरकार, यहाँ का जिला प्रशासन, मैं अभी रिव्यू में कागज में देख रहा था, मैंने अभी थोड़ा एक नज़र में देखा, बहुत अच्छी, मतलब टाइमली उन योजनाओं को क्रियान्वित, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर कर रहे हैं। इसके लिए मैं नागालैंड की सरकार को भी और यहाँ के जिला प्रशासन को भी मैं वेलकम करता हूँ, बधाई देता हूँ उनको, और उम्मीद करता हूँ कि जो योजनाएं गरीब लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए हैं, उनको उनका लाभ मिले, ये हमने सुनिश्चित करना है। और मैं, पत्रकार साथी बैठे हैं, मैं अभी 2-3 चीज़ें उनको बताना चाहूँगा कि अभी हमने केंद्र सरकार ने नागालैंड के लिए, इस जिले के लिए जो योजनाएं हैं उसमें अपना NHIDCL के तहत जो ओल्ड सोवा न्यूलैंड से पांगसा तक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है, प्रस्तावित 2 लैंडमार्क परियोजना पूरी होने वाली है जो देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की की राह पर ले जाएगी इसको। इसी तरह जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन से हर घर में नल से जल देने की योजना यहां पर तेजी से चल रही है, और पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत अकीटो वेलनेस सेंटर एक गणतंत्र के रूप में न्यूलैंड को चुना है, उसके लिए वेलनेस सेंटर के लिए न्यूलैंड को चुना गया है, और होजू खे वाटर पार्क जो न्यूलैंड जिले के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाएगा और समग्र रूप से जिले, राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, यानी कि एक बहुत सुंदर पार्क यहाँ पर अपने उस मंत्रालय की तरफ से, पर्यटन मंत्रालय की तरफ से न्यूलैंड में बनाया जाएगा। इसी तरह नागालैंड और असम के बीच तलहटी का क्षेत्र है, यहाँ इस एरिया को धान का कटोरा भी कहा जाता है, वैली ऑफ राइस। इसी तरह यहाँ पर और कई योजनाएं हम लाने की सोच रहे हैं, और जो यहाँ हमारे मंत्री जी बैठे हैं, और ये सौभाग्य है जिस लोकसभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, जहाँ से मैं MLA भी रहा, अनेक बार मिनिस्टर भी रहा, हमारे मंत्री जी की स्टडी मेरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में ही हुई है, तो इसलिए मैं उनको आश्वासन भी देता हूँ कि उनके जिले के लिए, नागालैंड के लिए जो मांगेंगे हम उनको देंगे, बहुत करेंगे उनके लिए, अच्छा करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार का एक ही मकसद है, जैसे ये शरीर है,
जब तक शरीर का हर अंग स्वस्थ नहीं होगा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए हिंदुस्तान का हर पार्ट हर हिस्सा मजबूत होना चाहिए, ये मोदी जी की सोच है, मोदी सरकार की सोच है। जब देश का हर वर्ग मजबूत होगा, देश का हर हिस्सा तरक्की करेगा, देश तभी तरक्की करेगा। इसीलिए हमारा देश जिस तरह आगे बढ़ रहा है, हम सबके सहयोग से इसी रफ्तार से आगे बढ़े और हम मोदी जी के हाथों को और मजबूत करें, जिससे हमारा भारत, जो मोदी जी का संकल्प है कि जब देश आज़ादी का 100वां साल मनाएगा, तब हमारा भारत दुनिया का विकसित भारत होना चाहिए, श्रेष्ठ भारत होना चाहिए, विश्व गुरु भारत होना चाहिए, यही मोदी सरकार का संकल्प है। आइए इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर मोदी का सहयोग करें। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सब ने इतनी गर्मजोशी के साथ मेरा वेलकम किया, स्वागत किया, उसका हृदय से मैं थैंक यू करता हूं, धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।